हर त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए और हर त्यौहार मिलकर मनाते भी हैं लोग, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई त्यौहार नहीं जो किसी एक धर्म या एक जाति का हो। इस देश में सभी लोग लगभग होली भी मना रहे हैं, दिवाली भी, क्रिसमस भी, ईस्टर भी, ईद भी और मुहर्रम भी। कोई भी त्यौहार पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि इसमें जुड़े हुए लोग, इसकी जलसे जुलूस में जाने वाली भीड़ किस धर्म की है, किस जाति की है। शायद यही सबसे खूबसूरत बात है इस देश की, और इस परंपरा को कायम रख रहे हैं पिछले कई सालों से धातकीटी कब्रिस्तान के पास के रहने वाले मुसलमान और मुखी समाज के लोग। हर साल सारे त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाया जाता है, चाहे वो होली हो या ईद। इसी संदर्भ में इस साल भी मुहर्रम में मुखी समाज के लोगों ने मुहर्रम के इस अखाड़े में हिस्सा लिया और मुसलमान भाइयों ने उनका सर पर साफा बांधकर उनका वेलकम किया, उनको खुशामदीद किया। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत एक माहौल था, देखने लायक ही बन रहा था। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर और सुनाते हैं क्या कहा दोनों समाज के लोगों ने। इसी तरह हम लोगों के बीच रहे, मतलब हर पर्व हर त्यौहार एक साथ मनाए और सहेले करवाना कि जितने भी धर्म मनावे होता है, जितने भी चाहे जिनसे भाईचारा तो वो कम करेगी कि इतने कम समय में इन्होंने अपना जो प्रोग्राम रखा था और हमें बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से इन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेडिकल बस्ती में आके आप लोग देखे कि हमारा भाईचारा किस तरह है, और हमारा जमुना तहजीब का अगर कुछ बोल है और पूरे हिंदुस्तान में, तो आप जमशेदपुर में आकर के इसको देखें। हमारे स्वागत किया गया है। अब बाबू भाई से अनुरोध है कि आप हाथ में बने। ये जगह का और क्या खड़े का नाम? ये जगह का नाम तो ऐसे आपका धक्की मेडिकल बस्ती है, और हम लोग आज बहुत ही खुश नसीब हैं कि शहीद करबला की ओर से आज हम लोगों का जो स्वागत किया गया पगड़ी पेशी के तौर से, इसके लिए हम यहाँ का जितने भी मेहमान हैं और विशेष करके जो लाइसेंस जारी है MD हाफिज़ साहब का, तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ गंगा यमुना तहजीब के तहत एक जगह मंदिर है तो एक जगह मस्जिद है, और हम लोग सब 60 से 65 वर्षों से एक साथ इस पर्व को भाईचारगी के साथ और एक खूबसूरत पैगाम के तौर से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और हम लोगों का ये सबको ये पैगाम है, अगर कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता मंच देखना हो, भाईचारगी देखना हो, और सबसे प्रेम और सबसे एक साथ सबको लेकर चलने की, अगर किसी को भी कोई दृश्य देखना हो, तो धतकीड़ी मेडिकल बस्ती या समूचा हम लोग का जो धतकीड़ी क्षेत्र है वो सबसे अच्छा मिलनसार है, और हम लोग शुरू से ही भाईचारे के साथ रहे हैं। और हर त्यौहार को पहली तो मैं जो एकता को तोड़ने की बातें करते हैं, मैं उन सबों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों का ये एकता अखंडता जो भारत की खूबसूरती है, जो गंगा यमुना की तहजीब है, जिस प्रकार से हम लोग एक साथ एकजुट होकर के एकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है और गर्व करने वाली बात है कि आज इसको हिंदुस्तान का सांस्कृतिक धरोहर जो रहा है शुरू से भाईचारा का हम लोगों ने कायम किया है।